क्या झरने के नीचे से निकला खजाना? क्या लॉकडाउन में परेशान लोगों के हाथ लगा खजाना? सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग सिक्कों को एक गड्ढे से निकालने में जुटे हुए हैं। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक झरने के नीचे सिक्कों से भरा खजाना हाथ लगा है, जिसका इस्तेमाल लॉकडाउन में आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसीलिए हमने इन वायरल तस्वीरों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। वायरल तस्वीर कहाँ की है? क्या सच में सिक्के खुदाई में मिले हैं? झरने के नीचे इतने सिक्के आखिर कहाँ से आए? वायरल तस्वीर का सच क्या है? वायरल हो रही तस्वीरों से जुड़ी खबरों को जब हमने गूगल पर सर्च किया, तब हमें एक फेसबुक पेज मिला। ये फेसबुक पेज अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिन एक्वेरियम का है। यहीं पर ये तस्वीरें अपलोड की गई हैं और इन सिक्कों के बारे में जानकारी दी गई है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि नॉर्थ कैरोलिना के जू और एक्वेरियम में एक झरना है। इसी झरने में लोग सिक्के फेंका करते थे। मन्नत मांगने के लिए लोग सिक्के फेंकते हैं। 14 साल से लोग इस झरने में सिक्का फेंक रहे थे। लॉकडाउन में सैलानियों का आना बंद हो गया। सैलानियों के नहीं आने से जू और एक्वेरियम में पैसों की कमी हो गई। बिल चुकाने के लिए एक्वेरियम प्रशासन के पास पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर एक्वेरियम प्रशासन ने झरने के नीचे खुदाई शुरू की। 30 फीट तक खुदाई कर इन सिक्कों को निकाला गया। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन से यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे थे, लिहाजा प्रशासन ने यहाँ खुदाई कर इन सिक्कों को निकाला। जिन लोगों ने मन्नत मांगने के लिए सिक्के फेंके थे, आज वही सिक्का यहाँ चल पड़ा। हमारी पड़ताल में दावा सच साबित हुआ कि झरनों के नीचे खुदाई कर जो सिक्के मिले उनका इस्तेमाल हुआ है।